साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जहां एक तरफ मुंबई में 3 साल बाद एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं भोजपुरी सिनेमा में आकांक्षा दुबे केस में भी 3 महीने बाद नया ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट है सुसाइड नोट को लेकर। जी हां, 3 महीने बाद अचानक से आकांक्षा के आखिरी नोट की बात सामने आई है। उस नोट को लेकर पूरे वाराणसी में बवाल मच गया है। पुलिस से लेकर आकांक्षा की माँ और तो और समर सिंह के वकीलों में भी काफी अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया था। पुलिस ने किसी भी तरह के लास्ट नोट की बात से इनकार कर दिया था, मगर अब 3 महीने बाद आकांक्षा के आखिरी नोट को लेकर बवाल मच गया है। आकांक्षा की माँ का तो साफ साफ कहना है कि जब मेरी बेटी ने खुद को मारा ही नहीं तो नोट कैसे सच्चा हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है सुसाइड नोट का सच, क्या अब आकांक्षा के केस को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर शुरू से 2 थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी के हिसाब से आकांक्षा ने खुद को मारा है, वहीं दूसरी थ्योरी है कि आकांक्षा को मारा गया है और फिर खुदकुशी दर्शाने की कोशिश की गई। अभी तक सबके मन में यही सवाल था कि अगर आकांक्षा ने खुद को खत्म किया है तो फिर आकांक्षा एक नोट तक क्यों नहीं लिख कर गयी, अपने मरने की वजह क्यों नहीं बता कर गयी। 3 महीने से आकांक्षा के इस नोट का जिक्र कभी नहीं किया गया, केस की चार्जशीट तक में इस नोट का जिक्र नहीं है, तो फिर अचानक से सुसाइड नोट की बात से वाराणसी में क्यों बवाल मचा हुआ है। तो सूत्रों की माने तो 25 मार्च की रात को आकांक्षा ने एक नोट लिखा था और उसमें सारी सच्चाई लिखी थी। सूत्रों की माने तो उस नोट में आरोपी के नाम लिखे गए थे और आकांक्षा खुद को किस वजह से खत्म कर रही है वो वजह भी लिखी हुई थी। सूत्रों की माने तो ये नोट आकांक्षा ने होटल के कमरे में ही छिपाया था और इसके बाद खुद को खत्म कर लिया। अब 3 महीने बाद अचानक से नोट को लेकर बवाल मच गया है। नोट की बात पर आकांक्षा की मां मधु दुबे भी सामने आई है। मधु दुबे का साफ कहना है कि केस को फिजूल में खींचने के लिए यह हरकत की जा रही है। आकांक्षा की मां का कहना है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि समर सिंह की लॉबी के लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि मेरी लड़की को तो मारा गया है, तो उसे क्या पता था कि होटल के कमरे में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, तो वो कैसे लेटर लिखकर पहले से ही छोड़ सकती है। मधु दुबे का कहना है कि लेटर वाली बात पूरी तरह फेक है। मधु दुबे का कहना है कि अगर मेरी बेटी लेटर लिखकर गई है तो सबको दिखाओ, सबके सामने लाओ, मैं उसकी माँ हूँ, उसकी लिखावट को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, अगर कहीं वो लेटर है तो दिखाओ मुझे, मैं देखकर ही पहचान लूंगी कि वो मेरी बेटी की राइटिंग है या नहीं। मधु दुबे ने कहा कि ये साजिश बहुत बड़े लेवल पर हुई है। अब जब आरोपी पक्ष को साफ दिख रहा है कि कोर्ट में उनकी हार होनी तय है तो वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि बना बनाया केस खराब हो जाए। मधु दुबे ने कहा कि ये फेक है, जब सुसाइड की ही नहीं गई है तो नोट कहाँ से लिखा जाएगा। वहीं इधर समर सिंह के वकील ने भी इस बात पर अपना बयान दिया है। समर सिंह के वकील का कहना है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये सिंपल खुदकुशी का केस है, बेवजह कोर्ट पुलिस और कानून का कीमती समय बर्बाद करवाया जा रहा है। समर सिंह के वकील का कहना है कि मेरे क्लाइंट को 3 महीने से जेल में बंद कर रखा है जबकि उसका कोई कसूर है ही नहीं। अब तो नोट भी सामने आ गया, नोट से साफ हो गया है कि आकांक्षा दुबे का केस आत्महत्या से ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब वाराणसी में इस वक्त हर कोई नोट की बात कर रहा है, मगर वो नोट आखिर है कहाँ, किसी ने नहीं देखा ना ही पढ़ा, सिर्फ बातें हो रही हैं। इवन पुलिस ने भी किसी भी इस तरह के नोट की बात से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली, हमने उस वक्त रूम का एक एक सामान चेक किया था, कमरे का चप्पा चप्पा छाना था, अगर कोई नोट होता तो उसी वक्त मिल जाता, इसमें छिपाने या दबाने वाली कोई बात ही नहीं थी। पुलिस का कहना है कि खबरें तो हमारे पास भी आ रही है मगर ये अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है, किसी भी तरह का नोट नहीं मिला है, ये सब बेकार में फैलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पुलिस और आकांक्षा की मां नोट की बात से साफ इनकार कर रहे हैं, मगर समर सिंह के वकील आखिरी नोट को लेकर कई दावे कर रहे हैं। अब अगर नोट लिखा गया है तो वो है कहाँ, 3 महीने बाद अचानक कहाँ से आया, क्या केस को खराब करने के लिए ये एक और साजिश है, आखिर कौन फैला रहा है ये अफवाह, आखिर कौन है इस सब के पीछे, क्या समर सिंह के गैंग के लोग ये सब कर रहे हैं। आप भी सुसाइड नोट को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो
तो बिग बॉस में नजर आ चुके एक्टर एजाज खान पिछले 26 महीनों से ड्रग केस में जेल की हवा खा रहे थे, लेकिन अब आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई। अब रिहा होने के बाद हाल ही में एजाज खान ने एक इंटरव्यू के दौरान जेल में बिताए गए अपने 26 महीनों के एक्सपीरियंस के बारे में बात की। इस दौरान एक्टर ने न सिर्फ जेल में कैदियों की स्थिति के बारे में बात की, बल्कि ये भी खुलासा किया कि जेल में बंद रहने के दौरान वो किस तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि एक्टर एजाज खान को साल 2021 में एनसीबी ने ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि एजाज का दावा है कि उनके पास ड्रग्स नहीं थे बल्कि नींद की गोलियां थी, लेकिन फिर भी एनसीबी ने उन्हें जेल भेज दिया। अब रिहाई के बाद एजाज खान ने एक इंटरव्यू में जेल में बीते अपने 2 सालों से भी ज्यादा वक्त के एक्सपीरियंस के बारे में बात की है। एजाज खान ने बताया कि ऑर्थर रोड जेल दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाली जेल है। उन्होंने कहा कि एक टॉयलेट में 400 कैदी जाते थे। आप उस टॉयलेट की कल्पना भी नहीं कर सकते कैसी स्थिति और कैसी हालत रहती थी। एजाज ने बताया कि जेल में टॉयलेट की सबसे खतरनाक स्थिति थी। 400 कैदी पर सिर्फ एक टॉयलेट था। सुबह 4 बजे से लाइन में लगना पड़ता था। बदबू और सड़न से सांस लेना मुश्किल हो जाता था। कई बार तो मुझे लगता था कि इस तरह जीने से अच्छा है कि मर जाए। एजाज ने कहा कि ये मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त था। सुबह उठते ही मैं एंजाइटी और डिप्रेशन से पागल जैसा महसूस करता था, लेकिन बस मेरे जेहन में एक ही बात रहती थी कि मुझे मेरे परिवार के लिए जिंदा रहना है, मुझे मेरे बेटे के लिए जिंदा रहना है। एजाज ने कहा, मैं शुरुआत के 6 महीने तो अपने बेटे से मिला ही नहीं। परिवार का कोई सदस्य मिलने आता था तो मैं मिलने से मना कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी हालत देखकर जी नहीं पाएंगे। फिर करीब 6 महीने बाद मैं अपने परिवार से मिलने की हिम्मत जुटा पाया। एजाज ने कहा, जेल में कोई आम या खास नहीं होता, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होता है, चाहे वो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान हो, बिजनेसमैन राज कुंद्रा हो या फिर पॉलिटिशियन संजय राउत हो, सबको एक ही डंडे से हाका जाता है। एजाज ने बताया कि मैं जेल में 2 साल 2 महीने रहा हूं। मेरे रहते हुए आर्यन खान, राज कुंद्रा, संजय राउत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक और भी कई वीवीआईपी जेल में रहे। एजाज ने कहा, आर्यन तो जेल में हमेशा रोता रहता था। वो 1 महीने जेल में रहा और 1 महीने में एक पल भी ऐसा नहीं गया जब उसकी आंखों में आंसू ना हो। वो रात दिन बस रोते रहता था। एजाज ने कहा, मैं आर्यन से कई बार मिला, मैं उसे काफी तसल्ली देता था, काफी समझाता था, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। एजाज ने कहा, जिस दिन उसे जमानत मिली सिर्फ उसी दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वरना वो हमेशा रोता रहता था। एजाज ने कहा, राज कुंद्रा के बारे में बताऊं तो वो जेल में चुप ही रहता था, गर्दन झुकाकर चलता था, ना किसी से बात करता था और ना ही किसी की बात का जवाब देता था। एजाज ने कहा कि संजय राउत जैसे बड़े नेता भी जेल में बंद थे। संजय राउत तो बहुत शोर शराबा मचाते थे, एकड़ी दिखाते थे और हमेशा चिल्लाते रहते थे। एजाज ने बताया कि ये सब दिन में 4 बार मिल ही जाते थे, 1 बार टॉयलेट की लाइन में और 3 बार खाने और चाय की लाइन में। सबकी हालत जेल में बेहद खराब थी। इन सबको देखकर बुरा लगता था और लगता था कि क्या हम कभी जेल से बाहर निकल पाएंगे। फिर धीरे धीरे सब निकल गए। राज कुंद्रा भी चला गया, आर्यन खान भी बाहर आ गया, संजय राउत भी जमानत पर रिहा हो गया, लेकिन मैं नहीं निकल पाया। मेरा परिवार कोशिशें करता रहा, वकील हाथ पांव मारते रहे, मगर 2 साल 2 महीने बाद ही मुझे जेल से रिहाई मिल पाई। एजाज ने सभी लोगों से अपील की है कि जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना कि जेल जैसी जगह पर रहना पड़े, क्योंकि जेल में रहने से अच्छा मर जाना है। एजाज ने कहा कि मेरी अपील है आप सभी से, हर गलत काम से दूर रहना। मैं अपने बेटे को भी यही सिखाऊंगा, क्योंकि अगर एक बार जेल चले गए तो जीते जी नर्क भोगना पड़ेगा। तो आपका एजाज खान के इस पूरे इंटरव्यू पर क्या कहना है, मुंबई की ऑर्थर रोड जेल की इस स्थिति पर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।